हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा आपका स्वागत करती हूँ चंदा देसी किचन में। आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बनाएंगे अचारी करेला, जो कम समय में बहुत ही टेस्टी बन जाती है, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम करेला लिया है, 3 प्याज लिया है, इसको पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। करेले को इस तरह पतले स्लाइस में कट करेंगे। पतले स्लाइस में कट करने से करेला जल्दी पक जाएगा। करेले का कड़वापन कम करने के लिए 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, पानी डालेंगे। अब करेले को 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद पानी से निकाल लेंगे। चलिए अब सब्जी बनाने चलते हैं। सब्जी बनाने के लिए अचारी मसाला बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे, तेज आंच पर पैन को गर्म करके 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 1 मिनट मेथी को भूनने के बाद अब 2 टेबल स्पून धनिया को भी डाल देंगे। अब दोनों को चलाते हुए 1 मिनट भूनेंगे। 1/2 टेबल स्पून कलौंजी मसाला डालेंगे, वो भी चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। मसालों को बराबर चलाते हुए भूने 2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे, सौंफ को भी चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। अब 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, उसको भी चलाते हुए सभी मसालों में भूनेंगे। अब 1 टेबल स्पून राई डालेंगे। मैंने सभी मसाले बारी बारी डालकर भूने हैं, उस तरह से भूनेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं। अजवाइन और राई को लास्ट में ही डालकर भूने। मसालों को आप बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। सभी मसालों को एक ही बार ज़्यादा मात्रा में लेकर भून लीजिए, मिक्सर में पीस कर रख लीजिए। मसालों को 3 या 4 मिनट ही भूनना है। जब मसालों का कलर लाइट ब्राउन हल्का सा आ जाए, कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही भूनेंगे। अब मसाले भुन गए तो प्लेट में निकाल लेते हैं। मसालों को थोड़ा ठंडा करके मिक्सर में पीस लेते हैं। मसालों को थोड़ा महीन ही पीसेंगे, मसालों को दरदरा नहीं पीसेंगे, महीन रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। सब्जी बनाने चलते हैं। गैस ऑन करेंगे, 7 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो अपने कुकिंग में तेल यूज करते हैं वो ले लें, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तेज आंच पर जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तभी करेला डालें। करेला डालने के बाद तेल के साथ अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। करेले को सॉफ्ट होने के लिए ढककर पकाएंगे। करेले को ढककर 3 मिनट पकाएंगे। ढक्कन हटाकर करेले को चला लेंगे। इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही सब्जी को पकाएंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। करेले में अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। करेले को ढककर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद इसको फिर चला लेंगे। करेले को 3 या 4 मिनट पर चला लेंगे। एक बार ढककर पकाने के बाद अब करेले में कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को करेले के साथ चलाते हुए मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकाते हुए अगर आपको लगे कि सब्जी जलने का चांस है तो गैस का फ्लेम लो कर दें। तो अच्छे से चलाते हुए मिला लिया है तो अब सब्जी को ढककर पकाएंगे। इसे 4 मिनट हो गए हैं सब्जी पकाते हुए, तो अब सब्जी को चला लेते हैं। सब्जी में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालकर सब्जी में अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। सब्जी को ढककर पकाएंगे। ढक्कन हटाकर सब्जी को अच्छे से चला लेंगे। सब्जी चलाने के बाद 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च यानी कलर मिर्च डालेंगे। मैंने तीखा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। चलाते हुए करेले में अच्छे से मिला लेंगे, ढक देंगे। अब ढककर पकाने के बाद सब्जी को चला लेंगे। जी आधा से ज़्यादा पक गया है तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। मसाले बनाए थे उसको डाल देंगे। मसालों की खुशबू ने कमाल की होती है, क्या कहें। मसालों को सब्जी में मिलाते हुए चला लेंगे, फिर ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। ढककर पकाने के बाद 1 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर डाल देंगे। सब्जी में चलाकर अच्छे से मिला लेंगे। पाउडर जब सब्जी लगभग पक जाए तभी डालें। इन मसालों के साथ आमचूर पाउडर जरूर डालें, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ढककर 2 मिनट और सब्जी को पकाएंगे। सब्जी का कलर भी अच्छा आ गया है और सब्जी भी अच्छे से देखिए पक गई है। तो अब इसको इतना ही पकाएंगे, अब गैस बंद कर देंगे। देखिए सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इस सब्जी को आप प्लेन अरहर की दाल चावल रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी इस तरह से अचारी करेला बनाइए और कैसी लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर।